आज का टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ और लास्ट मेथड जो बचा है इसके दो मेथड्स है चलो इसको वन बाय वन समझ लेते हैं हेलो दोस्तों वेलकम टू डॉट कॉम मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थर्ड वीडियो है तीन वीडियो तीन मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं पहले दो मेथड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो आई बटन में आप चेक कर सकते हो पहला मेथड हमने एक्सप्लेन किया है एवरेज प्रॉफिट मैथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मैथड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे सब पार्ट है टू एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ओके और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस पर जितने ज्यादा हो सकते हैं वो कमेंट कीजिए ताकि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में ज्यादा जाए और भी ज्यादा यूजर के पास पहुंच सके और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर की धड़ी लग जाए और पहला मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करनी है इस मेथड में हमने वो करने के बाद गुडविल कैलकुलेट होगी वो कैसे करनी है चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं पहले तो हम कैपिटल इंप्लॉयड तो निकाल लेते हैं जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाली थी वैसे ही कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट होनी है इस मेथड में भी ठीक है कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के बाद हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू वो कैसे करनी है वो मैं आगे समझाता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से सब्ट्रैक्ट करना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो अमाउंट आया उसके हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल ओके okay? सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बच गया जो अमाउंट आ गया उसे अमाउंट को हम बोलते हैं गुडविल समझ लग गया गुडविल का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है सिंपल सा अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कैसे करना है अब इस मेथड में हम कैपिटल इंप्लॉयड को नेट एसेट्स भी बोलते हैं फॉर्मूला सेम है लेकिन इसको हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं जो बिजनेस के पास नेट एसेट्स होते हैं ओके okay? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो भी बिजनेस ने कमाया है उसको देखेंगे कितना है वो कैसे कैलकुलेट करना है अगर एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाती है तो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट आपने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर जितना है प्लस करके वो कर देना है तो वो करने के बाद आपके पास आ जाएगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ओके जैसे हमने प्रीवियस टू मेथड्स में किया है ना कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट वो ऐसे ही कैलकुलेट होने वाले उसका कोई नया मेथड नहीं कैलकुलेट करने का ओके वैसे ही कैलकुलेट करना है सेम एज इट इज ओके जो नई चीज है वो सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करनी है नई चीज हमारे पास क्या है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है हमने जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है वो कितनी कैपिटल पर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस उल्टा कर लेंगे और टोटल वैल्यू निकालेंगे ओके okay? इसमें हम निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं कि अगर हमने बीस हज़ार प्रॉफिट कमाया है वो हमारा बीस परसेंट है तीस परसेंट है चालीस है कुछ परसेंट हायर है लेकिन जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो टेन परसेंट है तो फिर कितनी कैपिटल पर यह प्रॉफिट कमाना बनता था तो कैपिटल हम निकाल लेंगे कितनी कैपिटल आएगी डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओवर टेन मल्टीप्लाई किया ना तो निकल के आ गया हमारे पास कितना टू लैख टू लैख हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल के आ गई एवरेज प्रॉफिट की अब हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल या फिर नेट नेट एसेट्स एसेट हमारे निकलेंगे टोटल एसेट्स माइनस जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे अब नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे नेट एसेट्स इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट से एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जितना है टू लाख और हमारी कैपिटल इंप्लॉयड है सपोज वन लाख तो हमारी गुडविल कितनी आ गई वन लाख ये हमारा आंसर आ गया इजी सा पार्ट है ठीक है जब भी वन लैख सब्सक्राइबर हो जाते हैं मैं अपनी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पर ही जो हमारा पेड कंटेंट है वो भी आपको फ्री में देने वाला हूँ तो जल्दी से जल्दी एक लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कराए करने में हमारी हेल्प कीजिए और अगर आप चैनल पर पहले यार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मैं मत भूलिए मत सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर आ रहा है आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं ऐसे ऐसे हम टॉपिक आपको समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे एलेबोरेट करके विद एनिमेटेड वीडियो विद एनिमेशन के साथ आपको मीनिंग समझाते हैं सारा कुछ बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को फैलाएँ और सब्सक्राइब करने को बोले अपने फ्रेंड्स को भी और अपने रिलेटिव्स को भी चलिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं टी एस ग्रेवाल की बुक से अ फर्म अर्न सिक्सटी थाउजेंड एज प्रॉफिट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग टेन परसेंट साठ ऑफ एंड लाइबिलिटीज आर टू लैख फोर्टी थाउजेंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुड विल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड के साथ कैलकुलेट करने को बोला है हमें ठीक है सिक्सटी थाउजेंड उन्हें प्रॉफिट दिया हुआ लेकिन है लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ओनली टेन परसेंट चलिए सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस जितनी कैपिटलाइज वैल्यू है क्योंकि प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करना है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय करेंगे टेन रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है नॉर्मल टेन परसेंट टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फॉर कितनी आ गई सिक्स लैख ओके अब आगे हम निकाल लेते हैं नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट हमारे निकलेंगे टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड के और लाइबिलिटी दी हुई है टू लैख फोर्टी थाउजेंड की तो हमारे नेट नगे फोर लैख एटी अब इन दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी गुडविल तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स और सिक्स लाख माइनस फोर लैख एटी थाउजेंड तो गुडविल हमारी आ गई वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सिंपल है कुछ मुश्किल नहीं है फटाफट से आपके जो तीन नंबर पक्के हो गए अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फटाफट से निकाल देना है ठीक है चलिए सेकंड पार्ट अब इसका कर लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड मेथड है हमारे पास इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट काम इसमें भी वही करना है उसमें हमने क्या किया था नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था यहां पर हम क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे वो सब करेंगे ठीक है सो सबसे पहले यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट उसके बाद ही हम गुडविल निकाल पाएंगे तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वैसे ही निकलता है ओके तो सुपर प्रॉफिट निकालने के सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटल इंप्लॉयड या फिर नेट एसेट्स कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमें पैसा नॉर्मली प्रॉफिट आने वाला था थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट अगर गिवन होगा तो गिवन ले लेंगे लेकिन नहीं तो चार पांच साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट अब गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है इसका गुडविल निकालेंगे फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जे हमारी क्या आ गई गुडविल ओके सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो वो हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा सो so, टी एस गरेवाल की बुक्स में से इसकी भी मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूं एक एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रूपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टोटल टेंजिबल एसेट इन द फॉर्म आर फोर्टीन लैख एंड लाइबिलिटी रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट दैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड सो इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इंप्लॉइड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी टोटल टेंजिबल एसेट हमारे पास दिए हुए हैं फोर्टीन लाख माइनस कर देंगे उसमें से फोर लाख सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया टेन लाख अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है टेन परसेंट सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सो टेन लाख मल्टीप्लाई बाय टेन बाय हंड्रेड जे हमारा आ गया वन लाख नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला वन लाख अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन ही है like तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है वन like लैख like. तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया फिफ्टी थाउजेंट अब हम इसकी गुडविल निकाल लेते हैं गुडविल कैसे निकलेगी गुडविल में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड का मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन तो गुडविल हमारे निकल के आ गई फाइव लैख ओके अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे ठीक है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा Better को प्रेस लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत